हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भुजेशवाला ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मैं उड़ीसा में हूँ और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं, पूरा बाहर से मेन गेट से अंदर तक दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लास्ट तक देखें। आप जो बाहर का दृश्य है, व्यू है, रेलवे स्टेशन का व्यू है बाहर का, और यहाँ से अंदर जाएंगे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में, अंदर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अंदर में। तो इस भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में अंदर में जाने के लिए आपका ये मेन फ्रंट साइड का गेट है, इसी गेट से अंदर में एंट्री मारते हैं और आप और ये मेन गेट के पास में आपका एटीएम मिल जाता है। और एटीएम आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक का ये एटीएम है। ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे एटीएम मिल जाता है। ये बहुत ही सुविधा इस रेलवे स्टेशन के बाहर में है। और इधर है बाहर निकलने की जगह है, यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता है। और ये सब आपका रेलवे स्टेशन का बाहर का है व्यू है, और देख सकते हैं बाहर में इसका बहुत अच्छा वर्ड में लिखा हुआ है भुवनेश्वर यहाँ पे। और एक रास्ता इधर से भी है स्टेशन में आने के लिए। तो और यहाँ पे एक व्यू, बहुत बहुत बड़ा घड़ी लगा हुआ है, 6:04 हो रहा है अभी। इसके अंदर में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा ट्रेन कितने बजे है, यहाँ से डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। ये है आपका प्रेस एंट्री गेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो एंट्री, यानी कि उधर से एग्जिट गेट है। तो प्रेस एंट्री गेट से चलते हैं अंदर। और यहाँ पे चालू करंट रिजर्वेशन काउंटर है, करंट रिजर्वेशन काउंटर इस साइड में। प्रेस एंट्री, अंदर आने के बाद अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो आपको दिखेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 इसे देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कितनी भीड़ लगी हुई है, सही। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो आपको दिख रहा होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे ले चलता हूँ। 2-3 पे इधर से ऊपर की तरफ उठेंगे जाएंगे। सेकेंड क्लास में टी हॉल भी मिल जाता है, वेटिंग हॉल। ये स्टेशन पे बहुत काफ़ी भीड़ है, कितना काफ़ी भीड़ के मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, और यहाँ से 1 से आप देखेंगे तो फ्लैग यहाँ पे आपको दिखा, फ्लैग आगे दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर सीढ़ी, और यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है जो लिफ्ट आपको दिख रहा है सामने में। लिफ्ट से भी जा सकते हैं ऊपर में, सीढ़ी से भी जा सकते हैं। तो लिफ्ट में आया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो हमने लिफ्ट से आया है, इसलिए लिफ्ट से ऊपर आया है, और आप सीढ़ी से भी इधर से आ सकते हैं। और इस चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भाई, आपको दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3।
एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। इससे अब 2 पे 3 पे जा सकते हैं, इससे भी 2 और 3 जा सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको 2 और 3 पे ले चलता हूँ। तो आपका ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। यह सब कुछ मिलता है, खाने पीने आइटम सब कुछ मिलता है। अब देख सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 2। लेकिन अब मैं आपको 3 दिखाता हूँ और इस साइड में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 है इस साइड, और यहाँ से आप फ्रेंड्स फ्लैग देख सकते हैं, संदारी दिखेगा पर इसमें वहाँ तक भी जाकर लेकर जाऊँगा आपको। तो गाइस भुवनेश्वर का आपको भुवनेश्वर जंक्शन दिखा रहा हूँ, और गाइस ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। अब मैं आपको 4 और 5 पे ले चलता हूँ, 4 और 5 पे। तो गाइस इस रेलवे स्टेशन में सिर्फ ओनली 6 ही प्लेटफॉर्म है, ओनली 6, जो मैंने आपको 1, 2, 3 दिखा दिया, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 और 5। तो मैं 4 और 5 पे आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पे लिफ्ट से भी जा सकते हैं, तो लिफ्ट से जाएंगे, सीढ़ी से चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि एनी टाइम ट्रेन आती रहता है, हर 5 मिनट पे ट्रेन आती रहता है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, और आपको मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 दिखा रहा हूँ। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 5, ये आपका प्लेटफॉर्म 5 है, पर अच्छा सब कुछ दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो नेक्स्ट टाइम आपको आने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस ये रहा आपका प्लेटफॉर्म नंबर 5, जो आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको अच्छा से दिखा रहा हूँ, आपको मैं अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाऊँगा। तो यहाँ से फ्लैग देख सकते हैं जो भी इसी स्टेशन के बाहर में लगा हुआ है, पिछला गेट है, यानी फ्रंट साइड गेट में नहीं है, यानी फ्रंट साइड नहीं, बैक साइड जो आपका गेट है रेलवे स्टेशन के, उसके पीछे लगा हुआ है। तो उसको भी मैं वो जाकर दिखा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं लिफ्ट से ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको 6 नंबर पर ले कर चलता हूँ। इस साइड में आपका प्लेटफॉर्म नंबर 6 है।
देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ले चलता हूँ, यानी कि भुवनेश्वर जंक्शन में आपका 16 ही प्लेटफॉर्म है जो आपको दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। यहाँ पे बाहर निकलने के लिए गेट है जो आप देख सकते हैं। पहले पिछला गेट पर मैं निकल के दिखाता हूँ आपको। टिकट काउंटर पिछला गेट पे आपको टिकट काउंटर में है 1 2 3 4। ये का गेट तो आपको जैसे पता है कि हर स्टेशन में दो गेट होता है, फ्रंट साइड और एक बैक साइड होता है। तो ये आपका बैक साइड गेट है, बैक साइड जो आप देख सकते हैं फ्लैग लगा हुआ है, बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। और इस साइड भी देख सकते हैं और यहाँ इस साइड में बैक साइड का भुवनेश्वर, दोनों साइड से बहुत अच्छा ही इसका गेट है स्टेशन का, दोनों साइड से बहुत ही अच्छा गेट बनाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और दोनों साइड से गाड़ी आपको आने जाने का मिलता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।